राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है उसी दिन का, यह है दीपावली के दिन का 31 अक्टूबर। इसका आधा पार्ट मैंने शेयर कर दिया था आप लोगों के साथ, तो ये उसी के ही आगे का पार्ट है। तो दो पार्ट बने हुए हैं ना, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए। तो मैं यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ, तो मंदिर में बना लिया है मैंने रंगोली और मंदिर के दहलीज पर भी बना दिया, तो ये लिविंग एरिया पर बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं रंगोली थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा फ़ोटो शूट के लिए और वीडियो बनाने के लिए हो जाता है ना। और बाहर मैं उतना छोटे छोटे बनाए, देखिए मैंने बाहर बनाए हैं, बाहर भी बना दें, क्योंकि बाहर छोटे छोटे बच्चे हैं ना पूरा ख़राब कर देते हैं। और उन लोगों ने कर भी दिया था, बाहर जितने भी रंगोली थी सब ख़राब कर दिए थे सामने तक बच्चों ने, क्योंकि खेल रहे थे भाग रहे थे तो ख़राब हो जाता है। कोई नहीं, बच्चे हैं, चलता है ये सब। तो फिर इसके बाद मैं तुलसी माता के यहाँ पर भी रंगोली बनाने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर भी मेरा रंगोली बन गया है और थोड़े से फ्लावर बचे हुए हैं, और थोड़ा फ्लावर से यहाँ पर भी डेकोरेट कर दूँगी हल्का सा। और मुझे फ्लावर वाला रंगोली सच में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्लावर मेरे थोड़े से कम हो गए थे ना, इसलिए ज़्यादा नहीं बनाया फ्लावर वाला, फिर बस ऐसे ही रख दिए मैंने। तो फिर यहाँ पर रंगोली का काम पूरा होने के बाद, फूल फाल सजाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मेरी तैयारी हो जाएगी दूसरा वाला पकवान बनाने का। फर्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैंने बनाए थे चूरमा के लड्डू, तो उसके बाद एक भोग तो वो वाला हो गया, दूसरा हो गया मैंने जो सूजी को भिगाने के लिए डाला था ना, सूजी और दही का मिक्स करके, तो मीठे वाले पोहे बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये देखे तल चुके हैं और इनको निकाल दूंगी मैं। तो दो चीज़ मेरे भोग के लिए हो गए हैं, और अभी 5 या 5:30 ऐसी कुछ बजा होगा, हाँ शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो वो बनाते बनाते लगभग 6 बज गए थे मुझे, थोड़ा सा टाइमिंग लग ही जाता है। एक तो बच्चे अंदर बाहर कर रहे थे, खेल रहे थे, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो पोहे यहाँ पर वैसे लगभग बन ही चुके हैं, और इसके पापा मार्केट गए हैं, और उसके लिए थोड़े से छोटे छोटे चॉकलेट के डब्बे आते हैं ना आजकल, तो थोड़ा सा हम शाम को बांटेंगे, जो भी घर पर आएगा उनको देंगे गिफ्ट के लिए। तो छोटे छोटे डब्बे लेने के लिए गए हैं, और थोड़े से फ्रूट्स भी नहीं थे तो फ्रूट्स भी ले आएंगे मंदिर में चढ़ाने के लिए, थोड़े से फ्रूट्स चाहिए थे। तो ये देखिए ये वाले ले आए हैं, ये चॉकलेट के डब्बे हैं, ये बड़ा वाला है ये 90 का पड़ा, और ये छोटा वाला इसमें 3 पीस हैं ये 50 का पड़ा, और बड़े वाला डब्बा था जो उसमें 4 पीस थे चॉकलेट, छोटे में 3 पीस, एक 90 का एक 50 का। तो सही है ये वाला, मिठाई से तो बेटर ही है, मुझे ये वाला सेट ना काफ़ी अच्छा लगा, बांटने के लिए भी आसानी, और मिठाई तो फिर मिठाई खा खा कर तो पक ही जाते हैं सब, इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा सा यूनिक सा देना चाहिए तो अच्छा भी लगता है। और ये थोड़ा सा बूंदी वाली मिठाई लाए हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, वैसे तो मैं बनाई थी ये, पता नहीं किस लिए लाए, चलो कोई नहीं चलता है, बूंदी वाले लड्डू काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, तो इसको मंदिर में चढ़ा लेंगे हम। तो फिर जितने भी सामग्री जो भी पकवान मैंने बनाए थे, अब मंदिर में रखने के लिए अलग से बना दूँगी मैं, अलग से थाली में मंदिर में रख दूंगी जितने भी चीज़ें बनाई हुई हैं, पुए और लड्डू, थोड़ी सी जो मिठाई लाई हैं ये इसको भी रख दूंगी। फिर इसके मतलब सारा चीज़ रेडी कर दूंगी मैं, और पूजा का जितने बजे मुहूर्त है उतने बजे से स्टार्ट करेंगे, तो पहले से ही रेडी रखेंगे ना सही रहता है, फिर खुद को भी तैयार होना है तो उसमें थोड़ा सा देरी लग जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही थी अब, क्योंकि मुझे वैष्णवी को भी रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है, तो फिर टाइमिंग लग ही जाता है, फिर बाहर जाएंगे तो हो जाता है टाइमिंग। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स लाए हुए थे, केले और सेब, दो चीज़ें लाए हैं, तो सेब मैं धोकर रखूँगी, केले तो रख दिए हैं मैंने, सेब धोने हैं अभी, थोड़ी देर बाद रखूँगी उसको। तो ये देखिए मैंने थाली रेडी कर दी है मंदिर के लिए, बाकी जो बच्चे हैं उनको किचन में ही रहने दूँगी, और जो भी इधर उधर बांटने हैं डब्बे उनको भी मैंने पूरे से अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, दीपावली में यही सब कुछ होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, ये मैंने सिल्क की साड़ी पहनी है, और इसमें ये वाला ये ब्लाउज इसका नहीं है, मतलब इस साड़ी में ब्लाउज नहीं था, साड़ी तो अच्छी है लेकिन ये ब्लाउज मैं दूसरा पीस लेकर आई। और इसके बाद आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में, यहाँ पर सारे दिए मैंने कलेक्ट कर लिए हैं जितने भी थे, बाती मैंने बना लिए हैं, तो फिर ये वाला काम थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, पहले से ही सब कुछ रेडी रखो ना तो पूजा पाठ आराम से हो जाती है।
तो मैंने दियू में सब कुछ तेल बाती बनाकर थाली में अच्छे से रख दिया है, उनको साइड कर दिया है। तो फिर अंदर पूजा करने के बाद बाहर दिए जला लूँगी। यहाँ पर मैं अब पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। उसके पापा दरी बिछा रहे हैं, वो भी आ गए हैं और वैष्णवी भी आ गई है। और पास में ही दो बच्चे हमारे पड़ोस के थे, वो खेल रहे थे, वो भी अंदर आ गए हैं। तो वो भी बोले कि हम भी, मतलब वो भी बैठ गए हैं पूजा में। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं, और भी अच्छा है। तो यहाँ पर दो पड़ोसी के बच्चे भी बैठे होंगे, आप लोग देखोगे अभी। तो अच्छा लगता है ना, भरा भरा कमरा ये है। तो मतलब दीपावली में आज दो दो लक्ष्मी बैठे हैं, मतलब मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे। तो फिर यहाँ पर अभी मैं पूजा पाठ स्टार्ट कर रही हूँ, चंदन टीका वगैरह रोली वगैरह लगा रही हूँ, और फिर इसके बाद शुरू हो जाएगा। आज तो मुहूर्त भी थोड़ा सा लंबा था ना, तो आराम से हो रहा है सब कुछ, कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही है। और टाइम तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुहूर्त कम होने से ना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती थी ना पूजा पाठ में। तो फिर यहाँ पर मैंने आरती कर ली है, अब इसके पापा करेंगे आरती, और खिल बतासे जो भी होते हैं वो भी मैंने चढ़ा लिए हैं। तो सभी जगह अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग मतलब पूजा पाठ की विधियाँ सब जगह अलग अलग होती हैं। तो फिर हमारे यहाँ इसी तरीके से किया जाता है, सिंपल तरीके से। ये देखिए बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। तो इसके बाद पूजा पाठ हो, पूजा आरती उतार ली है मैंने। अब थोड़ा सा टीका वीका लगा दूंगी, बच्चों को भी, खुद भी, सभी को लगा दिया है। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आरती कर लेंगे, गणेश जी की, लक्ष्मी माता की, और ओम जय जगदीश हरे वाला गा लेंगे। पहले तो बचपन में हम डेली करते थे तो याद था, आजकल अब बस दिया बत्ती वगैरह ही कर लेते हैं और इतना टाइमिंग नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा बुक खोल लिया है मैंने, आरती संग्रह वाली छोटी सी बुक है मेरे पास, उसको खोल लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा पाठ सब संपूर्ण हो चुकी है। उसके बाद अब मैं बाहर दिए रखने के लिए जा रही हूँ, सारे दहलीज में, बाहर बालकनी में और रेलिंग में, सभी जगह रख देंगे। और कहीं अंधेरा कॉर्नर होगा वहाँ भी एक एक दिया ज़रूर रख कर आएंगे हम लोग। तो दिया ले जाते हुए मैं आगे की ओर जा रही हूँ, और ये देखिए बाहर बच्चों ने ना रंगोली थोड़ी सी ख़राब कर दी है, फूल यहाँ वहाँ, मतलब छोटे छोटे हैं ना, एक तो कर ही देते हैं, बहुत बड़े होते तो उतना बिगड़ता नहीं है। पिछली बार बड़े बड़े बच्चे थे तो रंगोली वैसे की वैसे ही रहती थी, इस बार बहुत छोटे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने से। तो फिर मैंने यहाँ पर दिए रख दिए हैं, एक थाली में बाहर ले गई हूँ रखने के लिए, और यहाँ पर चप्पल भी गिरे हुए थे तो वैष्णवी उठा रही है उनको। तो दूसरी थाली लेने के लिए मैंने वैष्णवी को भेज दिया है। थोड़ी सी रेलिंग लंबी है ना, तो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा दिए लगेंगे, तो एक थाली और मंगा लिया है मैंने, तो ये लेकर आ रही है अभी। तो फिर इसी तरह से मेरा घर सज गया है, दीपक से, फूलों से, रंगोली से। ये देखिए सारी पूरी रेलिंग भर दूंगी मैं यहाँ पर, थोड़ा सा उधर को पड़ोसी भी रखेंगे, तो थोड़ा सब जगह, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब जगह रख देंगे। तो दीपावली, दीपों का त्यौहार, दीपोत्सव में पूरा घर सज गया है, और दीपक से मतलब एकदम जगमगा जाता है ना घर, सच में बड़ा अच्छा लगता है ना, इसीलिए तो साल में एक बार आता है, तो जमकर मनाना चाहिए इस त्यौहार को। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा दिए लगाए मैंने चारों ओर रंगोली के, और थोड़े से यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह शूट किए थे, फ़ोटोज़ खींचे थे मैंने, और उसी फ़ोटोज़ को ही मैंने शॉर्ट्स में भी डाले हुए हैं, और व्लॉग में तो नहीं डाले हैं शायद, शॉर्ट्स में डाले हुए हैं फ़ोटोज़ वगैरह। तो इसके बाद मैं अब अंदर को जा रही हूँ, तो आप लोगों को सारा व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए एक रंगोली यहाँ पर है, यहाँ से अंदर मंदिर की ओर जाएंगे। तो ये मंदिर का दहलीज मैंने डेकोरेट किया हुआ है अच्छे से, ये देखिए थोड़ा सा ख़राब कर दिया इन लोगों ने फिर, और यहाँ पर फिर ये मंदिर, और यहाँ पर हमने अच्छे से पूजा पाठ की, और ये मंदिर का व्यू देखिए आप लोग। तो फिर इसके बाद पूजा पाठ होने के बाद अब सीधे बाहर जाएंगे, यहाँ पर ढेर सारे बच्चे आए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं अंदर बाहर, सच में दीपावली की बड़ी मस्त धूम मची रहती है। और तुलसी माता में भी मैंने दिए रख दिए हैं, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से लग रहा है, पूरी लाइटिंग वगैरह, और नीचे का भी दिखाती हूँ मैं आस पड़ोस का। और मैं अब हम चले गए हैं ग्राउंड में, ये बच्चों ने घरौंदा बनाया हुआ है, हमारे यहाँ बिहार साइड के भी रहते हैं ना, तो बिहार और यूपी में बनता है शायद ये चीज़, तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है, सच में बहुत मेहनत भी लगी है, बहुत प्यारा सा। तो मैंने इसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर लिया, और पूरा व्यू ये है हमारी बिल्डिंग का, और सबसे ऊपर वाला हमारा है राइट साइड में,
तो फिर इस टाइप से लग रहा है कुछ। और यहाँ पर कुछ किसी के मेहमान भी आ रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। अभी सभी लोग नहीं आए हैं ग्राउंड पर, धीरे धीरे करके इकट्ठे हो जाएंगे। तो सभी लोग नीचे ग्राउंड पर ही दिवाली सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ऊपर में उतनी जगह नहीं होती है ना। तो बच्चे आ गए हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर एक फुलझड़ी जला रहे हैं छोटी सी। इतना धुआं छोड़ रहा ना, सच में पॉल्यूशन तो होना ही है इसके बाद वो ढेर सारा। तो एक फुलझड़ी मैंने भी ले ली है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया था हमने, मेरा थोड़ा सा लेट हो रहा था तो यहाँ पर फ़ोटो शूट करने के लिए मैंने भी पकड़ लिया था। वैसे तो मुझे उतना पसंद नहीं है पटाखे, तो मैं नहीं फोड़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैंने कभी नहीं फोड़ा है। बस फुलझड़ी वगैरह ही जला लेती हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए अब यहाँ पर धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग के हमारे जो पड़ोसी हैं सब आने लग गए हैं, तो मैं उसी का ही व्यू दे रही हूँ। और चमक रहा है ना पूरा घर सभी जगह। और ये दूसरी बिल्डिंग के हैं, यहाँ पर अनार अनार जला रहे हैं लोग। और इसके बाद ये देखिए पूरे सब लोग नीचे आ गए हैं ना, अब पूरी महफिल जम रही है यहाँ पर। अब सच में बहुत अच्छा लग रहा है, दीपावली में खूब भीड़ भाड़ हो, खूब धूमधाम हो ना, तभी अच्छा भी लगता है। और पॉल्यूशन देखिए कितना सारा धुआं निकल रहा है सच में। इसके बाद खांसी वगैरह ना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, धुआँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये लोग खेल रहे थे पटाखों से, कुछ बड़े भी फोड़े थे तो बड़ा कान के ना पर्दे सच में बंद हो जा रहे थे। कुछ लोग बड़े बड़े टाइप लाए हुए थे ना इसलिए, तो बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। हम लेडीज़ लोग साइड में खड़े हैं, लेडीज़ों का क्या होता है बातें करना ही होता है, तो हम लोग हमारी बातें ही पूरी नहीं हो रही थी, तो हम देख भी रहे थे, वीडियो भी ले रहे थे और बातें भी कर रहे थे क्योंकि और टाइम टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए मैं सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग ले रही हूँ। इधर साइड हम लोग खड़े हुए थे तो थोड़ा कोई लोग फोड़ भी रहे थे, मुझे तो डर लगता है, मैं तो साइड से वीडियो लेने में ही थी बस और कुछ नहीं। और ये देखिए अनार अनार खूब चला रहे हैं बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं ढेर सारा। इसके बाद अंदर आई, बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी क्योंकि हम लगभग 8 या 8:30 में नीचे चले गए थे। उसके बाद 10 बजे आई घर को, 10 या 10:30 में। तो उसके बाद मुझे खाना आना बनाना था, जल्दी से आलू उबाल लिए और आलू पूरी ही बनाऊंगी आज मैं। हमारे पहाड़ों में आलू के गुटके होते हैं ना, वही बना रही हूँ मैं। तो फिर वो अच्छा आलू पूरी बहुत पसंद है हम लोगों को, वैष्णवी को भी पसंद है, तो वही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड कर दूंगी क्योंकि इसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं ली क्योंकि इतनी थकान लग गई थी ना सच में। और ऊपर से जो पटाखे वटाखे की धुएं से ना सर भारी सा हो गया था, एकदम दर्द था। मैं तो सोच रही थी खाना बनता है कि नहीं, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तो ना हो ही जाता है। तो आलू मैंने जल्दी से उबाल दिए थे तो उसको छील लिए जल्दी से। और यहाँ पर प्याज व्याज जल्दी से भून लिया मैंने, हल्दी मिर्च मसाला सब डाल दिया, बस इसको फ्राई ही करना है, इतना ही करना है। और इसके पकने पकाई तो है, बस थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसके पकने तक आटा आटा लगा के मैं पूरी तल दी थी और जल्दी से खा लिया था। पूरी ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि पूरी मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ ना, बहुत ऑयली हो जाता है। और भूख भी नहीं लगा था क्योंकि स्वीट्स वगैरह थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ खाए थे, मीठे पुए बनाए थे और चूरमा बनाया था तो थोड़ा खाया था, तो इसी से पेट भर जाता है। और लेट भी हो गए थे बहुत ज़्यादा, 11:30 बज चुके हैं पता है यहाँ पर, तो ज़्यादा रात हो जाती है ना फिर मुझे भूख भी नहीं लगती है। तो फिर जल्दी बन गया था खाना, फिर मतलब दो दो चार चार पूरियाँ ही बनाई मैंने। तो फिर उसके बाद पूरी वूरी बनाकर हम मैं सो गई थी फिर, क्योंकि सर दर्द स्टार्ट हो गया था मेरा फिर बहुत ज़्यादा। क्योंकि दूसरे दिन बर्तन भी इतने सारे बर्तन हुए थे ना, क्योंकि जो पकवान बनाए थे मैंने, पुए बनाए थे, उसके बर्तन मैं धोई नहीं थी। और शाम को भी टाइम नहीं मिला ना क्योंकि पूजा पाठ में बैठ गए थे, भी पूजा पाठ करते ही बाहर चले गए हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए। फिर वहाँ से तो बहुत लेट 10:30 ही ऊपर को आए हम लोग, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया था। तो खाना तो बन ही गया फिर भी यहाँ पर जैसे तैसे, अब करना ही पड़ता है ना क्योंकि भूख तो मतलब इनको लगी हुई थी, मुझे तो नहीं लगी थी ज़्यादा भूख। तो यहाँ पर अभी मैं पूरी तल ली जल्दी से आटा लगा कर, और फिर इसके बाद खा लिया था हमने। फिर उसके बाद लगभग 12 बज गए थे। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती है, सबको राधे राधे।